औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। जितने मेरे प्रा सुनने ले उन्हें की मेरी तरफ सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब असं कल वीडियो बनाई सी, सड़ी पहली वीडियो सी, ते इंशाल्लाह तुसें गी पसंद आई उसी और तुसें लाइक भी किया उसी, उसकी ते ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया उसी। अज अस मजीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करसा, तो इंशाल्लाह तुसें लोग की महसूस करसा असा, ताकि साढ़ा चैनल है जनाब कश्मीरनी ब्यूटी चौधरी आसम साहब जिसने जो प्रोड्यूसर हैं, इंशाल्लाह तुसें इस चैनल की मजीद अगे बढ़ा सो, ताकि असा तरक्की कर सकी है, तो जो अच्छे चैनल उन्हें सड़ा शुमार हो सके। तो जनाब सरदार अरमान साहब साढ़े ना मौजूद है, जी कल कोई मसरूफियात की वजह सन, कोई पर्सनल कॉल आ गए सी, कोई बिजनेस के हवाले सन, तो वो साढ़े ना मौजूद न से, अज साढ़े ना मौजूद है। तो सब तो पहले उन्हें जी खास खूबी है, उन्हें आवाज़ बहुत प्यारी है, और असा उन्हें सब तो पहले कोई अगर कोई हम सुनाने चाहे कुछ ना। जनाब सरदार अरमान साहब को दो किस्म के टैलेंट हैं, इन्हें एक तो आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और इन्हें अपनी एक जुबान बनाई है, इंशाल्लाह उस जुबान ही तुसेंगी पसंद आसी, और जो कुछ तुसेंगी सुनासे गाना शाना और जो कुछ सुनासे इंशाल्लाह तुसेंगी पसंद आसी। जनाब सरदार अरमान साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अरमान है, प्लस भी मेरा साल लेकर, तो तुसेंगी का जो प्रोग्राम है उसमें मैं मौजूद ना सा, कोई पर्सनल मतलब मैटर था, इसका मैं थोड़ा बिजी था, जनाब इन्हें कोई टैलेंट क्या अजमान साहब? जनाब सरदार अरमान साहब साढ़े नाल मौजूद है, इन्हें को दो किस्म का टैलेंट है, एक तो है इन्हें आपस ही को जबान तैयार की, इन्हें बहुत ही प्यारी जबान है, सके इंशाल्लाह उसका मतलब भी समझा सन बाद में, कोई क्वेश्चन पूछना सर, उसके बाद गाना भी बहुत अच्छा गाने हैं। जनाब अरमान साहब क्या हाल है, सेहत ठीक थी ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाओ क्या कोई नवी ताजी है? कोई खास नहीं, बस अल्लाह ना करम है, तो साफ नहीं सुनाओ। और सुनाओ अपने घर में मदनी है, क्या हाल हो ही रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, फिलहाल जरा था लॉकडाउन आया नहीं था, हम सबको के क्या होना। तो जनाब सबसे पहले से गुजारिश कर सा, कोई गाना सुनाओ, उसके बाद जड़ी तो बहुत तैयार की थी ने, वो भी ऐसा भी दसो, और उसका मतलब भी दसो, उसका मतलब क्या? तो जी इंशाल्लाह गाना सुनाने हैं, जो कहते हैं कि बहुत शुक्रिया से आपकी इनवाइट किया इस प्रोग्राम में, अच्छी गल है, ऐसे प्रोग्राम मजीद होने चाहिए, ताकि लोगों की रजमाई भी हो सके, अस जबान जी पहाड़ी है, हुकूमी जबान तो उर्दू है कि जी पहाड़ी है, लेकिन अस चलो जो कि होई सकना अस लोगों की दसना चाहिए, फिर फिर अच्छी गल। ते दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दवा नहीं करेंगे सनम, हो दिल रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, इस तरह तो मुझसे बेवफा हो गया, इंसाफ कर दो मुझे माफ कर दो, कर दो इतना करम, रहे मेरी कहानी इसे समझो ना सिर्फ तुम पानी, चाहत यही है कि इस कदर प्यार दो, कदमों में तेरे दो जहां वार दो। जनाब तुसा सरदार अरमान साहब ना गाना भी सुनता सी, इंशाल्लाह तुसेंगी पसंद आया सी गाना भी, तो हूँ असा इन्हें जी खास टैलेंट है इन्हें जबान, असा इसका मतलब भी पूछा इन्हें को, जनाब सरदार अरमान साहब अब जो तुम जबान तैयार की है, असा नहीं पता इसकी पहले असा बुझी नहीं है, लेकिन जबान इंशाल्लाह सुनाओ अपनी जबान से कड़ी तैयार की है। देखिए इस जबान में मेरी तकरीबन ढाई से तीन साल ले हैं, तो ये जबान जी है इसका मतलब जरा पहाड़ी भी तुम समझा सा, तो जबान थोड़ी डिफरेंट है सारी जबानों को, लेकिन गल ये है कि तुसनी मतलब किधर भी मुश्किल पै सकनी, मतलब कि पाकिस्तान इलाके चले जाओ, पेशावर जाके पीछे को पठान तुसें ही पकड़ लाया, मतलब उसकी अपनी जबान का बोले ताकि तुसें बचत हो जाए, अजकल वैसे ही पठान बचने छोड़ने ही कोई नहीं। दूसरी गल है कि जिसका पहला बेटा उस तड़ी भी सी, क्या हाल है तुसन ना, कल लड़ी सी लड़ी चाह नहीं आई कि क्या प्रोग्राम तुसने तुस क्या जानने चाहने, उसके बाद वो तड़ी मी लड़ी छाड़ू, ਕਿਸਨੇ ਵਾਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੜੀ ਸੀ ਲਈ ਮਾਨ ਵੜੀ ਕੋਸ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ
मतलब मैं थोड़े थोड़े फिक्रे जड़े दे कि मैं कम करी में एक जबान बनाई अपनी ते उम्मीद है शायद सी पसंद अच्छे ते कितने जबाने ने मिक्स करी तुसा जबान तैयार की थी है तुसा ने 2.5 साल लगे हैं ने ते कितने जबाने तुसा मिक्सचर किया उसके बाद इस जबान तैयार है संगी दसो इस हमारे का देखो इंदुमा भाई गल इस नहीं है कि इसी चीज सराइकी भी शामिल की थी इसी मलवाड़ी भी शामिल है अच्छा पश्तू भी तकरीबन शामिल ही शामिल है लेकिन तकरीबन 5-6 जबाना मिला के इसने मैंने छोड़ कर दी कि जबान ये जबान ही जा थी। माशाल्लाह जनाब सरदार अरमान साहब असों की गाना भी सुनाया और बहुत ही प्यारी आवाज़ है इन्हें नहीं और जुबान भी असा की इन्हें दसी है तो असा की इन्हें जुबान ही पसंद आई और असा कोशिश कर सकें कि इन्हें कला जुबान सीखी है ताकि असा भी किसी मुश्किल वक्त जाइए तो असा की जुबान कम दे। जनाब सरदार अरमान साहब के आने के कोई दो दुखिया जे शेर असा जिस ना छोड़न तो इंशाल्लाह महफली चस बनी जासी माहौल बनी जासी। जनाब सरदार अरमान साहब शुक्रिया निगम भाई। गल ये है कि जो इंसान उपाय उस दिल की कैफियत इस तरह होनी तो इंसान की शेर खुद बहुत होने यार बंदा तो शेर नहीं पढ़ सकता लेकिन चलो कोशिश कर सकता कि अपनी व्यूज की खुश करिए अपनी तरफों ते वो शायर कहना अपना कि जिंदगी किसी मोड़ पर खुद को तनहा ना समझना जिंदगी किसी मोड़ पर खुद को तनहा ना समझना मैं तेरे साथ हूँ मुझे खुद से जुदा ना समझना माशाल्लाह उम्र भर साथ निभाने का वादा किया है तुझसे जिंदगी ने अगर साथ छोड़ दिया तो बेवफा ना समझना। फिर एक और जगह पे शायर कहता है कि समंदरों की तरह दर अपने खुले रखना समंदरों की तरह दर अपने खुले रखना हजारों फासले हों फिर भी दिल से दिल मिले रखना वो कच अदा इसे बस इतना सिखा गया मुझको कि अब तो जो भी मिले उसे फासले रखना। जनाब वो मेरे पास से गुजरे मेरा हाल तक न पूछा वो मेरे पास से गुजरे मेरा हाल तक न पूछा मैं कैसे मौन जाऊं दूर जाके रोए हो गए। जनाब सदे नाल बैठे ने सरदार असाम साहब जिन्हें इश्क दा रोग लग्या है इश्क दा रोग अबला डाडा। जनाब सरदार अरमान साहब असा ने इंट्रोडक्शन कराने सरदार अरमान साहब असाम साहब जिन्हें तलक पलंदरी आजाद कश्मीर तो है जिला सुनती तो असा ने बारे पूछने के इन्हें क्या मतलब टेंशन परेशानियां हैं क्या मसरूफियात हैं आजकल क्या करने हैं असा सरदार अरमान असाम साहब का पूछने जनाब सरदार अरमान साहब तुम्हें क्या मसरूफियात हैं। जनाब सरदार असाम साहब जड़े इश्क ने मारे हुए हैं तो इन्हें नहीं कौनी लैला मजनू आ रहा है ये मतलब के लैला मजनू जी मजनूनी हालत हो गई सी इस तरह इन्हें हालत हो गई असा जिस टाइम इन्हें मिलने हैं परेशानी मुतला होने हैं ते जनाब मैं तुम्हें लैला मजनू की कहानी सुनाई रहा हूँ कि लैला जड़ी है ना रंग भी बहुत काली सी किसे मजनू के जाके आख्या कि तेरी लैला रंग दी काली ते अगू मजनू क्या खूबसूरत जवाब दिता कुर्बान जाऊ मजनू पे उसने क्या खूबसूरत जवाब दिया उसने कहा तेरी अखनी वेखन वाली किसे लैला की यह है कि काली है बहुत काली है तुम क्या तकिया तो उसने प्यार करना है ते मजनू आया कि तेरी अखनी वेखन वाली मेरी अखी नाल देख वेख सब कुछ मेरे वास्ते दुनिया और सब कुछ लैला ही है जिस नाल इंसान प्यार करना है वो नहीं तकना के बदसूरत है खूबसूरत है बस दिल लगी नहीं होनी जिस दिल लग जाए ते उसने शक्ल सूरत नहीं तकी ना। वो कहते हैं एक शेर है बहुत मशहूर शेर के दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती किसी से प्यार हो जाए सूरत नहीं देखी जाती। जनाब सरदार असाम साहब ने भी ये कुछ हाल है इन्हें इशनिया छोटा छोटा खा दिया है तुसा वीडियो तकने हो नाजरीन जनाब इन्हें चेहरे की तुसा तकी ता ही सकने हो कहने की बहुत गहरी चोट लगी है जनाब असम भी इन्हें दर्द की छेड़ने नहीं असा ने दास्तान भी नहीं सुनने चाहे हो क्योंकि जो असा की दास्तान सुनासे तो इन्हें ना जरा है दुख वापस ताज़ा हो जासी तो गमगीन हो जासे असा इन्हें चाहे असा अस चाहे कि हर इंसान खुश रहे तो जितने भी सुनने वाले मेरे दोस्त हैं ते उनकी मेरी तरफ सलाम बेस्ट ऑफ लक अपनी जिंदगी तरक्की करें ते जनाब असा वीडियो बनाई है ते जितने भी दोस्तों दोस्त में की सुनने ले इस टाइम उनकी मेरी तरफ बहुत बहुत सलाम और साढ़े चैनल की ज्यादा शेयर करो लाइक करो और कमेंट्स करो अगर असा वीडियो अच्छे ना बनाने तो भी दसो अगर मजीद बेहतरी असा लाई सकने तो भी दसो कमेंट्स बाकी दसो कि असा कड़ी गलती करी जा रहे हो और असा उस गलती ने मुताबिक मद्देनजर रखी कि असा इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो बनासा ते और असा ने चैनल की सब्सक्राइब भी करी छोड़े अगर मैं असा शेयर करूं तो बस हेल्प करूं ताकि अस अगे बढ़ी सकी है।
बस ठीक है जितने सुनने ले मेरे दोस्त, मेरी तरफों सबके सलाम, अल्लाह उन्हें की लंबी जिंदगी अता फरमाए। इंशाल्लाह कल मिलसा एक नए इंशाल्लाह वीडियो कल मैं सुना वादा किता सी ना के इंशाल्लाह नवी नवी दिन बाद दिन नवी नवी वीडियो बनासा। आज असा जेडे पहले दो त्रै दिन है इंशाल्लाह सबक कमोज असा वीडियो बनाई जा रहे हैं, अगे इंशाल्लाह मजेगिया वीडियो भी बनासा, सबक कमोज वीडियो भी बनासा। तो इंशाल्लाह तुम अस परेशान नहीं होने देने, दिन ब दिन इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो बना के तुम्हें महजूज कर सा। जितने मेरे सुनने वाले दोस्त सबकी मेरी तरफों सलाम, बहुत बहुत सलाम, अल्लाह सबको लंबी जिंदगी अता फरमा, नेकी के राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।